JEE मेन जनवरी 2020 का एक क्वेश्चन है. वन मिथाइल इथाइलीन ऑक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद एन एक्सेस ऑफ HBr प्रोड्यूसेस. इन्होंने देखो ऐसे बनाया हुआ है, ये चार ऑप्शन है. एक बार इन्होंने ईन के साथ एक ब्रोमो लगाया, एक बार इन्होंने एन के साथ वन वन डाई ब्रोमो लगाया, एक बार इन्होंने केवल एक ब्रोमो लगाकर एल्कीन बनाया, और एक बार वन टू डाई ब्रोमो लगाया. तो आइडिया तो ये है कि या तो ये मोनोब्रोमो वाला प्रोडक्ट होगा या फिर डाइब्रोमो वाला प्रोडक्ट होगा, और अगर डाइब्रोमो होगा तो जेमिनल होगा या वेसिनल होगा. ठीक है ना, जरा इसको चेक करते हैं. इथाइलीन ऑक्साइड क्या है? इथाइलीन ऑक्साइड है ये, इसको हम इपॉक्साइड भी बोलते हैं. ठीक है, इसके ऊपर एक मिथाइल लगाया, इसका नाम है मिथाइल इथाइलीन ऑक्साइड. राइट, मिथाइल इथाइलीन ऑक्साइड. अब इसकी रिएक्शन करवाई HBr से, HBr से हमें मिलेगा H+, और ये H+ यहां पर करेगा प्रोटोनेशन. तो प्रोटोनेशन से एसिडिक मीडियम में इपॉक्साइड सबसे पहले प्रोटोनेट होता है, तो प्रोटोनेट हो जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस चार्ज. नाउ O+ इज ए गुड लिविंग ग्रुप. जब O+ अच्छा लिविंग ग्रुप है तो इसी समय Br- को यहां मौका मिलेगा, और इसकी लीविंग कैपेसिटी है और ये इधर से लीव करेगा. क्यों? क्योंकि हालांकि इसमें कार्बोकेटायन नहीं बनता, बट इट लीव्स फ्रॉम दैट साइड विच कार्बन कैन एकोमोडेट पॉजिटिव चार्ज वेल. ठीक है ना, तो दिस कार्बन इज अ टर्शरी कार्बन, इट विल एकोमोडेट पॉजिटिव चार्ज वेल. तो यहीं पर इस ब्रोमीन का अटैक हो जाता है, बी आर माइनस का, ब्रोमाइड आयन का अटैक हो जाता है. तो क्या बन गया साहब, ये बन गया ब्रोमो मिथाइल इधर आ गया, और ये आ गया OH. ठीक है ना, ये आ गया OH. लेकिन क्योंकि इन्होंने कहा है कि HBr एक्सेस में है, तो फिर से HBr की रिएक्शन हो जाएगी और H+ फिर से यहां प्रोटोनेशन करवा लेगा. राइट, अगर ये प्रोटोनेशन करवा लेगा, अगर ये प्रोटोनेशन करवा लेगा तो फिर ये कैसा बन जाएगा बच्चे, H2O+ बन जाएगा. नाउ अगेन दिस OH2+ इज ए गुड लिविंग ग्रुप. जिस समय ये निकल रहा होगा उसी समय Br- का अटैक हो सकता है, तो Br- का अटैक हो जाएगा, तो ये रिएक्शन SN2 भी हो सकती है, ये रिएक्शन SN1 भी हो सकती है. ठीक है ना, लेकिन SN1 हो या SN2 हो, SN1 में एक बात की प्रॉब्लम ये रहती है कि कभी कभी मान लो रीअरेंजमेंट वगैरह हो जाए, SN2 में बिल्कुल नहीं रहती, तो रीअरेंजमेंट का कोई चांस नहीं. तो आप बताएं ये एक विसिनल डाइब्रोमाइड बना है, तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, इसके हिसाब से हमारा आंसर निकलेगा आंसर नंबर 4. तो आंसर 4 विल बी आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है ना, नोट करें.